नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसेल एचईएमएम ऑपरेटर के मॉडल पेपर जो न्यू सिलेबस हाल में कंपनी के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार देखेंगे। जो साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हमारा हर मॉडल पेपर आपको आसानी से मिल सके। सेल्फ स्टडी ग्रुप की तरफ से एग्ज़ाम से पहले तक आपको 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 सामान्य ज्ञान के प्रश्न, 1000 सामान्य विज्ञान के प्रश्न और 500 पेट्रोल एवं डीजल इंजन से संबंधित प्रश्न, 200 यातायात एवं परिवहन के प्रश्न, 200 हिंदी के प्रश्न और 100 सामान्य इंग्लिश के प्रश्न दिए जाएंगे। ये सारे सुविधाएँ जो है 29 नवंबर से पहले इस चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। चलते हैं आज के मॉडल पेपर की ओर। पहला प्रश्न है आपका, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या सबसे कम होती है? बताइए कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या सबसे कम होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेंसिलिन का खोज किसने किया? बताइए पेंसिलिन का खोज किसने किया है। पेंसिलिन का खोज किए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन देखिए, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून को वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके कमी से दांत का क्षरण होता है? दांत का क्षरण बोले तो दांत का टूटना, ये होता है आपका फ्लोरीन की कमी से दांत का क्षरण होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर क्वेश्चन की ओर। रबर को व्यापारिक वाष्पीकरण में बलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है आपका गंधक का। किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाकर कठोर बनाने की प्रक्रिया को बालिनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षति किसके द्वारा होता है? बताइए ओजोन परत की क्षति में कौन सा गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत की क्षति में CFC गैस जो होता है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है। CFC को पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका एक अन्य नाम पीडियोन भी है। नेक्स्ट चलते हैं, माता टीला परियोजना नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? बताइए माता टीला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माता टीला जो परियोजना है वो है आपका बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है माता टीला परियोजना? बेतवा नदी पर। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन किस भाग में लिखित है? संविधान 20 भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए क्या आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1957 में। यह किसके सम्मान में दिया जाता है? यह शांति स्वरूप भटनागर जो CSIR के प्रथम संस्थापक और निर्देशक थे उनके सम्मान में दिया जाता है। CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे हम लोग। भारत ने सर्वप्रथम क्रिकेट का किस वर्ल्ड कप को जीता था? भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? पहला प्रथम बार जीता था 1983 में कपिल देव के कप्तानी में। एक वर्ल्ड कप जीता था किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीता? 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता है किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। और 2023 का वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 का वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है जिसमें कितनी टीम भाग ले रही है? जिसमें 10 टीम भाग लेगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी इंजन का रेडिएटर छोटा होता है? किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन का जो रेडिएटर होता है वो छोटा होता है। रेडिएटर का क्या कार्य है? रेडिएटर इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। समय से पूर्व बल्ब का खुलना क्या कहलाता है? समय से पूर्व बल्ब का खुलना कहलाता है लीड, ऑप्शन नंबर 1। और समय के बाद का बल्ब को, समय से पूर्व बाद खुलने बल्ब को क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग लैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील किस धातु का बना होता है? बताइए फ्लाई व्हील किस धातु का बना होता है? फ्लाई व्हील बना होता है स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा का सर्वोत्तम एवं निष्कृतम चालक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा इसका चांदी और शीशा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है और इसका सबसे खराब चालक उसका जो है वो शीशा है। ये चांदी भी धातु है और शीशा भी धातु ही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अल्फा किरण पर कितना आवेश होता है? बताइए अल्फा किरण पर कितना आवेश होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा इसका 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस पर होता है आवेश होता है? अल्फा किरण पर। नेक्स्ट है, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, 1C/S। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तमाशा कहाँ का लोकनृत्य है? बताइए तमाशा कहाँ का लोकनृत्य है? तमाशा जो लोकनृत्य है वो महाराष्ट्र का है। लवनी कहाँ का, लवनी और तमाशा जो लोकनृत्य है वो महाराष्ट्र का है। पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का है। भांगड़ा गिद्धा कहाँ का है? भांगड़ा गिद्धा जो लोकनृत्य है वो आपका पंजाब का है। जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका राजस्थान है। और तांबा का सबसे सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। और लोहा का सर्वाधिक उत्पादन करता कौन है? लोहा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह गीत बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखा गया है जिसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया है।
सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत हमारा जन गण मन है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दिया गया है? राष्ट्रकवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासदक कहाँ का शेयर बाजार है? बताइए नासदक कहाँ का शेयर बाजार है? नासदक जो है शेयर बाजार है अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। शंघाई कॉम कहाँ का शेयर बाजार है? शंघाई कॉम चीन का शेयर बाजार है। S&P कहाँ का समाचार बाजार है? S&P जो है कनाडा का समाचार है। और मिबल्टन जो शेयर बाजार है वो इटली का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल का मुख्यालय है आपका बेंगलोर में, जिसका स्थापना हुआ था 1954 में। बेंगलोर को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे बेंगलोर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली या भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर, इसके अलावा भारत का बगीचा, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या होगा? वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। ड्राइवर द्वारा पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए ड्राइवर के साइड में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा शीशा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। डॉक्टर के द्वारा दांत की स्थिति को जानने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शोर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? शोर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद को किसने लिखा है? ऋग्वेद को विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। डीजल इंजन के कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 1:12 से लेके 1:22 तक, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, छः सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? छः सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होता है, एक पाँच तीन छः चार दो, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैफिक का यह सिग्नल किसको सूचित करता है? देखिए क्या किसको सूचित करेगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा चौकी को। अगर यहाँ स्टार के साथ साथ बेड का निशान लगा रहता तो वो हो जाता हॉस्पिटल। निम्नलिखित ट्रैफिक का यह सिग्नल किसको सूचित करता है? ट्रैफिक का यह सिग्नल यह आगे रास्ता बंद है, यह आगे रास्ता बंद नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा गति सीमा समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा गति सीमा का अंकुश समाप्त। गति सीमा का निर्धारण कौन करता है? गति सीमा का निर्धारण जो होता है राज्य सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है कि किस क्षेत्र में गति कितना रखना है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक है आइसो
ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है यूरेनियम 235। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किया है लीवेन हॉक ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और राजनाथ सिंह कौन सा मंत्री हैं? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और प्रहलाद जोशी ये कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन नंबर तीन। और जयराम ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और पोलो खेल में कितना होता है खिलाड़ी की संख्या? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। और वॉलीबॉल और बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9-9। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गाड़ी का दूसरा सर्विसिंग कितने किलोमीटर पर होता है? गाड़ी का दूसरा सर्विसिंग जो होता है 1000 किलोमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर चार। गाड़ी को समय समय पर रिपेयरिंग के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है? गाड़ी को समय समय पर रिपेयरिंग करने के लिए इंस्पेक्शन कार्ड बनवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चलेंगे, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल का, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। अवतल लेंस की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? अवतल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती नामक संस्था के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर कौन होना चाहिए? विश्व भारती नामक संस्था के संस्थापक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यह संस्था कहाँ स्थित है? यह संस्था कोलकाता में स्थित है। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, पुरुष के लिए शादी की आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? पुरुष के लिए शादी की आयु सीमा 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, सामान्य मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 3। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 90 प्लस कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात इसका दो नंबर ऑप्शन सही होगा। दो मतलब अर्थात 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक घन की भुजा 6 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 216।
घन का भुजा दिया है 6 मीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा का क्यू हम लोग करते हैं, इसके अनुसार हम लोग 6 का पावर क्यू लिखेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे तो 216 आंसर आएगा। 216 क्या आएगा? 216 मीटर क्यूब में आता है, यानी घन को हम लोग मीटर क्यूब में दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आमीटर से क्या मापा जाएगा? बताइए इस आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। और प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध मापने के लिए आमीटर नामक उपयोग यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आवेश का मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? आवेश को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। भारत रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला जो है उदीपा मल्लिक है, जिन्होंने पैरालंपिक ओलंपिक में रजत पदक जीती थी भाला फेंक प्रतियोगिता में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर मंदिर कहाँ स्थित है? हर मंदिर जो है आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के पटना के पटना साहिब नामक जगह पर स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ सिख धर्म का बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका है बिहार। दूसरा स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पर आपका है केरल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वुमन हु इज नॉट मैरी, वह औरत जो अभी तक शादी नहीं किया है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा है, हिडन का एंटोनॉमी क्या होगा? हिडन का एंटोनॉमी होगा आपका ओपन। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, ओपन मतलब होता है खुला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्जिन का साइनो नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनग्रुली। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द मिस एक्सप्लेन्ड वर्ड चुनना है इसमें, आप लोग देखिए कौन सा सही आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ए गवर्नमेंट विच ऑनर टू ऑल रिलीजन, जो सभी धर्मों का सम्मान करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेकुलर। नेक्स्ट प्रश्न है, x·yzx·yxx·xxyz, इसका सोलूशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझ ही लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 03 इसका श्रृंखला में कौन सा शब्द गलत है? इसका भी हम सोलूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। 60 का भी हम लोग जो प्रश्न है इसका भी सोल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। 61 को हम लोग देखते हैं, 61 का बहुत सिंपल मैथ है या रीजनिंग है, 6·2·8·4·6·7·9·5·7·8·10, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। 5 के बाद सब में 2-2 अंक बढ़ रहा है नीचे की तरफ, इसमें 5 के बाद क्या आएगा? 7, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन हो जाएगा 4913। इसका भी सोल्यूशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहां से जाकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट भी करेंगे, वहां से हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। नेक्स्ट है, इंजन वायर भरने वाला भाग क्या कहलाता है? इंजन तेल भरने वाला भाग को क्या कहते हैं? इंजन में तेल भरने वाला भाग को कहते हैं वायल सम्प कहते हैं। डीजल इंजन में डीजल जलता है, कहाँ जलता है? ये जलता है कंप्रेशन के द्वारा। और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा जलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय आता है। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय क्या आता है? केवल साफ हवा आता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या आएगा? पेट्रोल इंजन में आता है हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं हम लोग बना कर देखते हैं इसको। पहले इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, 76 सबसे छोटा डिजिट इसमें कौन सा है? सबसे छोटा डिजिट है आपका 3। आप सबको जोड़ लेंगे, 7 5 12 12 3 15 15 4 19। तो 19 को काटेंगे ऐसे, नीचे का 76 और 4 × 3 कितना होगा? 12। अर्थात का सही आंसर कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 76 को सबसे छोटा रेशियो कौन सा हो जाएगा? 12 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचा गया तो 10% के लाभ होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसका देखेंगे हम लोग, सोल्यूशन देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य 1+लाभ% × 100। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1980, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो यहाँ हो जाएगा 1/110 लिखेंगे, 110/100, 0 से 1 0 कटेगा, 11 से काटेंगे इसको, तो 11 × 11 = 88, 0, तार 1 बराबर हो जाएगा 18,000। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सॉल्व कर डालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा पिल्ला से, ऑप्शन नंबर 3। अर्थात घोड़ी के बच्चे को हम लोग पिल्ला कहते हैं और शेर के बच्चे को हम लोग सावक कहते हैं। गाड़ी का दूसरा सर्विसिंग कितने किलोमीटर पर होता है? गाड़ी का दूसरा सर्विसिंग होता है 1000 किलोमीटर पर और पहला सर्विसिंग जो होता है 500 किलोमीटर पर होता है। गाड़ी मतलब यहाँ फोर व्हीलर से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसका सर्विसिंग पहला 500 किलोमीटर और उसके सेकंड सर्विसिंग जो होता है 1000 किलोमीटर और दूसरा तीसरा सर्विसिंग जो होता है 2000 किलोमीटर पर होता है। लेकिन छोटा गाड़ी का सर्विसिंग पहला सर्विसिंग जो होता है आपको 250 किलोमीटर पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेडलैम्प में प्रयोग होने वाला कलर कौन सा है? हेडलैम्प में कौन सा कलर प्रयोग किया जाता है? हेडलैम्प में नीला कलर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गाड़ी के डिफरेंशियल में कौन सा तेल भरा जाता है? गाड़ी के डिफरेंशियल में कौन सा तेल भरा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा AC90 नामक तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? गाड़ी के डिफरेंशियल में किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। एनीमिया किसके कारण कमी से होता है? एनीमिया जो होता है आपका जीवाणु की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थिति नहीं थी? जीवन की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थिति नहीं थी? इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन उस समय नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन विभाग पर्यटन के लिए
पर्यटन वाहन को परमिट के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी होता है? पर्यटन विभाग के लिए फॉर्म 45 का प्रयोग किया जाता है, यानी पर्यटन विभाग की गाड़ी को जो होता है वो 45 फॉर्म 45 भरने के बाद भी उसको परिवहन मतलब पर्यटन के लिए उसको अनुमति दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यातायात का कौन सा फॉर्म भरा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्म 20 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ई रिक्शा को जोड़ा गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार धारा 21 में ई रिक्शा का प्रावधान है, जिसे 2019 ईस्वी में जोड़ा गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के अनुसार फाइन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 185, ऑप्शन नंबर 3। गुण एवं दोषों का वर्णन का एक शब्द है, इसे क्या कहते हैं? जिसमें गुण दोषों का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समालोचन, ऑप्शन नंबर 2। हिंदी को भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भाषा के रूप में सर्वप्रथम स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। नीलकमल कौन सा समास है? नीलकमल कौन सा समास है? नीलकमल है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, अहंकार में कौन सा संधि है? अहंकार में आपका व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा है? देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा आंसर। बटरफ्लाई जो शब्द है वो तैराकी से जुड़ा है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य का, अर्थात मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। और मेंढक का है क्या नाम है? मेंढक का नाम है राना टैगरीना। और गाय का बॉस इंडिकस। मछली में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछली श्वसन जो प्रक्रिया है वो गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष के बाद कार्य मुक्त होते हैं? कितने सदस्य कार्य मुक्त होते हैं? 1/3। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? आयु सीमा निर्धारित किया गया है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का भी उम्र सीमा भी 30 वर्ष है और विधान परिषद का सदस्य का भी उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान रूप से राज्यपाल को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में बनारस में किया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। किसी संख्या का 3/5 भाग उसी संख्या के 40% भाग से 40 अधिक है तो संख्या बताइए। इसका सलूशन भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहां से जाकर आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, वो कैबिनेट के किस मंत्री पद पर थे? कौन सा मंत्री था उनके पास? मंत्रालय था, उपभोक्ता मंत्रालय था। रामविलास पासवान जी हाल ही में उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है,
बचपन और बुढ़ापे के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? बचपन और बुढ़ापे के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? वयस्क संधि, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने लाइफ साइंस पार्क का स्थापना किया है? देखिए कौन किस राज्य ने स्थापना किया है, इसका सेंस हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू की है? ये जो अभियान है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाले राज्य की अनुमति प्रदान की है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होगी कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। जिसमें विशाखापट्टनम वित्तीय राजधानी, प्रशासनिक राजधानी होगा अमरावती और न्यायिक राजधानी होगा कर्नूल, जहां हाल ही में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। हाल ही में किसने लोकसभा का सचिव नियुक्त किया गया है? लोकसभा का सचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बताइए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन नंबर 2। आठ आदमी 12 लड़के का एक कार्य को 25 दिन में करता है और 6 आदमी 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका पूरा हम सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। बोर्ड पर लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसका सोल्यूशन लिख कर ही बताएंगे। हाल ही में भारत ने कितने वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सेंस हो जाएगा 2030 तक कोल इंडिया अपना 1 मिलियन टन कोयला तक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, 100 मिलियन टन। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज वाला देश कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत सर्वाधिक कर्जदार देश हो जाएगा 2021 तक। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।